हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर को समझने के लिए हमें वापस से पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन देखना पड़ेगा। कौन सा? कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डीसी लोड लाइन के बारे में, और ये डीसी लोड लाइन हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे बनाई थी। कैसे बनाई थी? तो हमने ले लिया था यहाँ पे हमारा आउटपुट करंट जो कि कलेक्टर करंट है, और आउटपुट वोल्टेज जो कि VCE था। बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढा था, ठीक है, वो किसके बराबर था, VCC,0 के बराबर था। उसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढा था, वो किसके बराबर था, वो 0,VCC/RC के बराबर था। ये लाइन का स्लोप कितना था, -1/RC था। तो ये दोनों पॉइंट को हमने ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया था, और ये लाइन को हमने बोल दिया था डीसी लोड लाइन। और बाद में हमने क्या बोला था कि जो भी हमारा बेस करंट है और हमारी लोड लाइन है, जहां जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्यू पॉइंट बोलते थे, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते थे। तो यहां पे मैंने ऐसे करके बेस करंट की लाइन बनाई नहीं है, ठीक है, यानी कि यहां पे बेस करंट क्या होता था, कांस्टेंट रहता था। तो यहां पे मैंने लिख लिया बेस करंट कांस्टेंट है। यानी क्या कि आउटपुट पोटेंशियल आप कितना भी बढ़ाओ, फिर भी करंट बढ़ता नहीं था, उसका सैचुरेशन आ जाता था। ये बात हमने समझी थी, ठीक है। अब दूसरी चीज और हमने क्या समझी थी कि जो भी हमारा एक्टिव रीजियन है, यानी कि जहां पे ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है, तो एक्टिव रीजियन के बीच में अगर क्यू पॉइंट रहता है, तब हमें इसका अच्छा एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। एम्प्लीफिकेशन यानी क्या कि आपने जो ट्रांजिस्टर यूज किया है वो जनरली एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या कि इनपुट में आपने कुछ ऐसा सिग्नल दिया, तो आउटपुट में यहां पे आपको कुछ ऐसा एम्प्लीफाइड सिग्नल मिल जाएगा। अगर अच्छा एम्प्लीफिकेशन चाहिए तो ये क्यू पॉइंट हमेशा या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा सेंटर में होना जरूरी है। अभी तो सेंटर पे है ये क्यू पॉइंट, यानी एम्प्लीफिकेशन अच्छा मिल रहा है, ठीक है, यानी आउटपुट हमें अच्छा मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये जो क्यू पॉइंट यहां पे मिला, वो मुझे मिल रहा है सपोज T=27°C पे, ठीक है, जब टेम्परेचर 27 है तब क्यू पॉइंट मुझे यहां पे मिल रहा है, अच्छा एम्प्लीफिकेशन आउटपुट अच्छा मिल रहा है मुझे, ठीक है। अब ये जो क्यू पॉइंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बड़ा या घटा तो ये क्यू पॉइंट की पोजिशन भी चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अब मेरा टेम्परेचर हो गया है सपोज 40°C, तो 40°C पे ये जो क्यू पॉइंट है अब सेंटर में रहने वाला नहीं, कुछ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अब ये नया क्यू पॉइंट हमें मिलेगा। अब ये क्यू पॉइंट कहां चला गया, सेंटर में तो है नहीं। अब सेंटर पे नहीं है, इसका मतलब अब आउटपुट पे हमें अच्छा सिग्नल, अच्छा एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा, जो हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, क्यू पॉइंट चेंज ना हो। अगर चेंज ना हो टेम्परेचर के साथ क्यू पॉइंट, तभी हमें आउटपुट में अच्छा एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। तो ये जो क्यू पॉइंट है वो जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, ये प्रोसेस को हम बोल देंगे स्टेबिलिटी फैक्टर, जिसे एस से डिनोट करते हैं। यानी स्टेबिलिटी फैक्टर यानी क्या, दी प्रोसेस, एक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, ऑफ चेंज इन क्यू पॉइंट, चेंज इन क्यू पॉइंट विथ द टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, क्या चीज के ये जो प्रोसेस है क्यू पॉइंट के चेंज होने की टेम्परेचर के साथ, उसे हम बोल देंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। जो हमें कम से कम चाहिए, जीरो के बराबर चाहिए, यानी क्यू पॉइंट का स्टेबिलिटी फैक्टर जीरो होना चाहिए, जिससे करके ये चेंज ना हो टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो आइडियली जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है उसे हम वन मान के चलते हैं। तो यहां पे लिखा है वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी जीरो होना चाहिए, या फिर जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। आइडियली स्टेबिलिटी फैक्टर यानी एस की वैल्यू हम वन मान के चलते हैं, लेकिन आइडियली तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ही पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली वन तो कभी हो नहीं सकती क्यू फैक्टर की वैल्यू, यानी बहुत कम चेंज क्यू फैक्टर का, क्यू
टॉरॉइड का हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका जो चेंज है वो अगर, या फिर स्टेबिलिटी फैक्टर है अगर 25 से ज्यादा हो गया, एस की वैल्यू 25 से ज्यादा हो गई, तब जो भी हमें आउटपुट पे ये जो एम्पलीफिकेशन मिलने वाला है वो बराबर नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, यानी सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा नहीं। कब? 25 तक, एस का वैल्यू 25 तक हो तब तो ठीक है, लेकिन 25 से बड़ा तो हमें अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेंगे आउटपुट साइड। तो वही पॉइंट मैंने यहां पे लिख के रखा है कि अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एस एक्सीड्स 25, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। थोड़ा डिटेल में और जाते हैं क्या, कि स्टेबिलिटी जो फैक्टर है वो रेशियो है। कौन सा रेशियो है? चेंज इन कलेक्टर करंट। ये कौन सा कर्व है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, चेंज इन कलेक्टर करंट आउटपुट। ये कलेक्टर करंट हमारा ये हो गया, ये आउटपुट साइड था आपको मालूम है। तो चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट यानी क्या? आईसी यानी कलेक्टर करंट, चेंज यानी क्या? डी आई सी, ठीक है। टू दी चेंज इन लीकेज करंट। अब लीकेज करंट यानी क्या? एक्चुअल में हम क्या करते थे, यहां पे ये जो आई बी था उसे हम फिक्स कर देते थे। कितने पे? 20 माइक्रो एम्पियर पे हम फिक्स कर देते थे, अगर याद हो तो, बेस करंट को, ठीक है। अब ये बेस करंट को जब आप फिक्स करोगे तब कुछ करंट का लीकेज होगा। अब करंट का लीकेज कैसा होगा, तो वो हमने पढ़ा था डिफ्यूजन करंट में। डिफ्यूजन करंट यानी क्या? जब एन टाइप का जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके पी टाइप के होल के साथ जब डिफ्यूज होते हैं तब एक करंट बनता है डिफ्यूजन करंट। और ये डिफ्यूजन करंट मेन करंट में कोई रोल प्ले नहीं करता, इसलिए डिफ्यूजन करंट को हम क्या बोल देंगे? लीकेज करंट बोल देंगे। तो यहां पे कुछ करंट लीक होगा इनपुट साइड, ठीक है। तो यहां पे लिखा है चेंज इन लीकेज करंट, ठीक है। तो चेंज इन लीकेज करंट यानी इनपुट साइड है आईबी करंट। आईबी तो करंट हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण कुछ करंट लीक हो रहा है, ये लीकेज करंट को हम बोल देंगे आईबी सी ओ, ऐसा नोटेशन है। और चेंज है, लिखा है चेंज, तो लिख लेंगे डी आई सी बी ओ, ठीक है, सैचुरेशन करंट बोल देंगे। अच्छा, ये रेशियो कब हम लिख सकते हैं? जब हमारा बेस करंट कांस्टेंट हो, ऐसे करके कांस्टेंट लाइन बनाई थी याद हो तो, जब हमारा बेस करंट कांस्टेंट हो, व्हेन आईबी इज कांस्टेंट। और बीटा यानी क्या? बीटा की भी बात करी थी, बीटा को हमने क्या बोला था? करंट गेन बोला था, ठीक है, अगर याद हो तो। एक इक्वेशन भी डिराइव किया था कि यहां पे छोटा सा पोटेंशियल वेरी करेंगे तो यहां पे करंट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, बीटा गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इक्वेशन कब करेक्ट है? जब बेस करंट और करंट गेन की वैल्यू कांस्टेंट हो तब, ठीक है। अच्छा, अब अगर वैल्यू आपने एस की बढ़ाई, ज्यादा आई, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा कलेक्टर का करंट है उसमें जो चेंज है वो बढ़ रहा है। अब कलेक्टर करंट में यहां पे चेंज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो हमारा इनपुट में जो लीकेज हो रहा है करंट का, इनपुट में जो करंट का लीकेज हो रहा है उसका जो चेंज हो रहा है वो बढ़ रहा है, इसके कारण आउटपुट का करंट बढ़ रहा है। अगर आउटपुट का करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब आउटपुट पे अब हमें करेक्ट सिग्नल मिलने वाला नहीं, वेरिएशन मिलेगा, ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है लीकेज, जिसकी वजह से आउटपुट का ये जो कलेक्टर करंट है वो भी चेंज हो रहा है, यानी आउटपुट कांस्टेंट नहीं है। आउटपुट कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर के साथ ये क्यू पॉइंट बदल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्टेबिलिटी है वो हाई भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, 25 से एक्सीड करना चाहिए नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 30 के बराबर, तो ये इक्वेशन के अंदर 30 रखो तो 30 इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ? 30 मल्टीप्लाई विद दिस टर्म इज इक्वल्स टू डी आई सी। ये क्या बताता है? कि जो हमारा कलेक्टर करंट का जो चेंज है आउटपुट साइड, जो हमें एम्पलीफिकेशन मिल रहा है, कलेक्टर करंट का जो चेंज है वो 30 गुना ज्यादा है इनपुट करंट के चेंज से, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा आउटपुट करंट चेंज हो रहा है, इसलिए हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा नहीं, स्टेबल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है वो 25 से ज्यादा है, 30 लिया है इसलिए। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।